हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी दौर आएगा और हम सभी को ऐसे रहना पड़ेगा, पर हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमारे पास एटलीस्ट रहने के लिए घर है, दो वक्त की रोटी है, सारी सुविधाएं भी हैं, एटलीस्ट फॉर मोस्ट ऑफ अस। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं हमारे देश में जिनके पास इनमें से शायद कोई भी सुविधा नहीं है। ऐसे वक्त में उनके काम आना और उनकी मदद करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। अपने देशवासियों की ओर हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं जिन्हें आप घर बैठे भी निभा सकते हैं। सो व्हाई डोंट यू ऑल जॉइन द हैशटैग मैं भी कोविड वॉरियर, व्हिच इज़ एन इनिशिएटिव बाय गिव इंडिया, एक्शन एड एंड हेलो, और डेली वेजेस पे काम करने वाले हमारे भाई बहनों को सपोर्ट कीजिए। जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतना ही सपोर्ट ये संस्थाएँ भी करेंगी। तो आइए एक होकर इन ज़रूरतमंद लोगों के चेहरे पर मुस्कान ले आइए। नमस्कार। Okay, this is a difficult time and people are vulnerable, but there are some people that are bent on spreading false rumors. So please do not believe all the forwards and videos jeopardizing your health and safety. Only listen to the instructions given by government officials like the NCDC, the National Center of Disease Control, WHO, and real doctors. Please don't keep forwarding these messages. Break the chain of the virus and the ignorance and misinformation. Stay home, stay safe. नमस्कार। हमारा देश एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, बहुत ही मुश्किल दौर से। इसलिए हम सबको एक साथ मिलकर इसका सामना करना पड़ेगा और इस कोरोना वायरस को हमेशा के लिए हटाना पड़ेगा। इसलिए मेरे हाथ जोड़ के विनती है आप सबसे कि गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए और घर से बाहर नहीं निकलिए। घर से बाहर तब निकलिए जब बहुत बहुत जरूरी हो। अपने घर पे रहिए, अपनी फैमिली के साथ अच्छा वक्त बिताइए और प्लीज एक बार और गवर्नमेंट जो कहती है वो सुनिए और उनका पालन कीजिए और सुरक्षित रहिए। और ये कोरोना वायरस को हमें हटाना ही होगा। Hi guys, मैं हूँ सलमान और ये है निर्वाण। निर्वाण, हम लोग यहाँ पर आए थे कुछ दिनों के लिए, अब हम यहीं पर हैं। तो हम लोग तो भाई डर गए, करेक्ट? करेक्ट। तो निर्वाण सोहेल के साहबजादे हैं, सोहेल के बेटे हैं। इन्होंने अपने फादर को कब से नहीं देखा? 3 हफ्ते तो हो गए। मैंने अपने फादर को 3 हफ्ते से नहीं देखा क्योंकि हम लोग यहाँ पर हैं, हमारे फादर अकेले घर पर हैं। डू यू रिमेम्बर द डायलॉग, जो डर गया समझो मर गया। वो यहाँ पर अप्लाई नहीं करता। हम लोग डर गए और बड़ी बहादुरी से कह रहे हैं कि हम लोग डर गए। आप ज़्यादा ब्रेव मत बनो क्योंकि इसमें यू थिंक एनी पॉइंट इन बीइंग ब्रेव इन दिस? No, I think it's better for everyone to stay home, avoid contact, and I think the longer we stay indoors, the faster this ends. जी, तो जो डायलॉग था, जो डर गया समझो मर गया, वो यहाँ पर अप्लाई नहीं करता है। जो डर गया समझो बच गया, और उसने बहुत सारे लोगों को बचाया भी। थैंक यू। मॉरल ऑफ द स्टोरी कि हम डर गए। हेलो बच्चों, आज मुझे आपकी मदद चाहिए। आई रियली रियली नीड योर हेल्प। मुझे लगता है कि अब आप ही कुछ कर सकते हैं कोरोना को हराने के लिए। कुछ बड़े हैं ना, बस नाम के ही बड़े होते हैं। इन बड़ों को जगाना है और कोरोना को हराना है। इन बड़ों को समझाना होगा कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए घर से बाहर जाने में कोई बहादुरी नहीं है, घर पर रहकर लड़ना होगा, घर पर रहकर हिम्मत दिखानी होगी। मैं जानता हूं कि कुछ बड़े हैं जो किसी की नहीं सुनते, पर आपकी सुनेंगे जब आप उन्हें समझाएंगे
जब आप उन्हें बताएंगे कि अगर उन्हें आपकी फिक्र है, आपकी फैमिली की फिक्र है, तो वो सोशल डिस्टेंसिंग की, यानी कि फिजिकली एक दूसरे से दूर रहने की इम्पोर्टेंस को समझेंगे और सारे रूल्स फॉलो करेंगे। आप करेंगे ना मेरा काम? और हाँ, आप सब आपका भी अपना भी पूरा पूरा ध्यान रखें। हम सबको इसमें साथ आना है, इन बड़ों को जगाना है और कोरोना को हराना है। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो। मेरा नाम है सलमान खान। पहले तो उन सबको थैंक यू कहना चाहूँगा मैं जो कि अभी तक के काम कर रहे हैं, जैसे कि हेल्थ में काम कर रहे हैं और फिर पुलिस वाले हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हैव डेडिकेटेड देयर टाइम टू कोरोना। तो थैंक यू वेरी वेरी मच। अब अपील ये है कि जो गवर्नमेंट है ये आपके लिए और हमारे लिए, हम सब के लिए बोल रही है, तो इसको सीरियसली लो, अफवाहें मत फैलाओ। ये हमेशा से एक प्रॉब्लम है कि सबको ऐसा लगता है कि ये हमारे साथ नहीं होगा, ये कोरोना वायरस किसी को भी हो सकता है, बस में, ट्रेन में, मार्केट में, हर जगह। तो काय कोई पंगे ले रहे हो बाहर जाना, ये पब्लिक हॉलिडे नहीं है भाई, ये बड़ा सीरियस मामला है। ये सब बंद करो, मास्क पहनो, प्रोटेक्ट करो अपने आप को, हाथ धो, साफ सुथरे रहो, लोगों से दूर रहो। ये सब करने में क्या दिक्कत है आपको? अगर किसी की जान बच रही है, जानें बच रही हैं, सैकड़ों जानें बच रही हैं आपकी खुद की, तो क्यों नहीं कर रहे हो आप? करो यार, ये जिंदगी का सवाल है, करो ये, प्लीज, दरख्वास्त है। थैंक यू। हर बार मैं आपसे दिल की बात प्यार से बोलता हूं, पर आज कसम से इतनी खुंदक आ रही है ना कि कुछ गलत शब्द अगर मुंह से निकल जाए तो मुझे माफ करना, पर दिमाग हिल गया कर कुछ लोगों का है। क्या हो गया लोग, किसको लॉकडाउन का मतलब समझ नहीं आ रहा? लॉकडाउन का मतलब होता है घर पर रहो, घर के भीतर रहो, परिवार के साथ रहो, सड़क पे तफरी करने के लिए निकल ना जाओ। बड़े बहादुर बन रहे हो आप लोग बाहर जाके, ये सब धरी की धरी रह जाएगी, ये सब आपकी बहादुरी सब इधर ही रह जाएगी। खुद भी अस्पताल जाओगे और अपने परिवार वालों को भी साथ ले जाओगे, माँ बहन बाप बीवी सब के सब पहुंच जाएंगे, कोई नहीं बचेगा अगर ध्यान नहीं रखोगे। यार अकल का इस्तेमाल करो, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ। मैं फिल्मों में स्टंट करता हूँ, गाड़ियाँ उड़ाता हूँ, हेलीकॉप्टर से लटकता हूँ, बहुत कुछ करता हूँ, पर सच में कह रहा हूँ, जान सूखी हुई है, मजाक नहीं है। इस टाइम ये बीमारी के सामने सबकी हालत बुरी है, पूरी दुनिया की हालत बुरी है। अपने परिवार के हीरो बन सकते हो तुम लोग, जिंदगी के खिलाड़ी बनो, सिर्फ घर पे रहो, बस घर पे रहो, बस सिर्फ घर पे रहो। जब तक सरकार कह रही है घर पे रहो, इससे आपकी जान बची रहेगी, आपके परिवार की जान बची रहेगी। कोरोना के खिलाफ जंग छिड़ चुकी है, हमें इसे हराना है, इस डिजीज को हराना है, कोई चॉइस नहीं हमारे पास। बाकी अगर कोई लड़ाई होती, कोई जंग होता, तो मैं आप लोगों से कहता चलो उठो वीरों सैनिकों लड़ो, लेकिन ये जंग, इसके लिए मैं आप लोगों को कहूँगा हाथ धो के सिर्फ घर पे बैठे रहो, बस बैठे रहो, चुपचाप अंदर ही रहो, जब तक सरकार नहीं कहती है बाहर मत आओ। मैं फिर आऊंगा आप लोगों से पूछने की कि आप लोग खिलाड़ी बने हो या बेवकूफ बने हो। घर पे रहो, धन्यवाद। Yeah, you're like 400 people.
Yeah, man.